आप सभी का मंगल और नमस्कार। सभी माता पिताओं से अनुरोध है, बड़े बुजुर्गों से प्रार्थना है कि आप अपने घर में बच्चों को बहुत बारीकी से निरीक्षण करिए, क्योंकि बच्चे आज पिछले मैं कई सालों से नोट कर रहा हूँ, मैंने लगभग सभी समझदार व्यक्ति कर रहे हैं, आपको भी खाली एक याद दिला रहा हूँ चर्चा में, कि बच्चे आजकल डिप्रेशन में आने लग गए हैं और रहते हैं डिप्रेशन में। बस ये कि वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ है। मत एक तनाव, पहले तो तनाव में तो लगभग सभी बच्चे, बच्चों की बात करो, बड़े तो जो है सो ही हैं, बच्चों की स्कूल गोइंग बच्चों की बात कर रहा हूँ, कॉलेज वाले तो हैं ही हैं लेकिन स्कूल गोइंग भी, ठीक है, एक तनाव 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, जिसमें 10वीं 11वीं 12वीं विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। आपके क्या कहते हैं कॉलेज वाले बच्चे तनाव में रहते हैं, एक 24 साल का 22 साल का बच्चा भी कहते हैं तनाव में रहता है, इतना तनाव और उसी के अंदर डिप्रेशन किस लिए? हालांकि अगर इस पर चर्चा की जाए, अच्छी खासी लंबी चर्चा हो सकती है, अच्छी खासी लंबी डिबेट हो सकती है, पूरा एक स्टोरी लिखी जा सकती है, लेकिन मोटे तौर पर इसलिए मैंने माता पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से कहा है कि आप अपने बच्चों को बहुत गहराई से लेके चलें, समझें उस बात को कि तनाव में ज़्यादा जो रह रहा है, ठीक है पढ़ाई का काम है, उसका कैरियर की भी चिंता रहती है, लेकिन जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको तो इतना नहीं रहना चाहिए ना, ठीक है पढ़ाई है पढ़ाई, उनको ये समझो बेटा पढ़ाई है, कोई ऐसी आफत नहीं हो रही है, हेल्थ की कॉस्ट पर ना कमाई चाहिए ना पढ़ाई चाहिए, तुम्हारी स्वास्थ्य के एवज में हमें पढ़ाई और कमाई नहीं चाहिए, इस चीज़ पे गौर कर चलिए। उनको आप भी खुद क्या कहते हैं चला के, जब बच्चा 9वीं में जाता है उसको ज़्यादा दबाव मत दीजिए, वो खासतौर पर 10वीं वाले बच्चों को जिस स्टाइल से पढ़ना चाह रहा है, कम पढ़े ज़्यादा पढ़े जैसे चलने दीजिए, बस आपको ध्यान देना दो ही चीज़ों पर कि उसके पास ज़्यादा संगी साथी ना हो, या संगी साथी एक भी हो तो ऐसा ना हो जो कुछ अजीब पर दूसरी प्रवृत्ति का हो, ठीक है ना, इसी प्रकार से उसके अंदर कोई इजी मनी कमाने का चक्कर नहीं पड़ गया हो, ठीक है, या और कोई हैबिट्स हो, और स्वास्थ्य के प्रति वो लापरवाह ना रहे, जो मुख्य तौर पे आपको बात ही है, और मजबूती वाली दुनियादारी की बातें, मजबूती प्रदान करने वाली बातें उसको बताते रहिए, ठीक है ना, वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मेरी मंगल कामनाएं। बहुत इस पर बारीकी से ध्यान दीजिए, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी ज़्यादा सुसाइडल केस है उसमें सबसे ज़्यादा स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उसके बाद जो आंकड़ा एक बार मैंने कहते हैं टीवी के अंदर देखा था, ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपका आता है ये IITN वगैरह मेडिकल कॉलेज वाले या और भी किस तरह से, क्यों फर्स्ट एकदम डिप्रेशन में आता है, तनाव भारी जाता है, स्ट्रेस ले रहते हैं, आजकल के बच्चे बहुत इमोशनल सेंसिटिव हैं, तो ये भी ध्यान रखने से तो संवेदनशील है, तो इसीलिए आपको बहुत उनको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। बहुत बचपन से मैंने बताया ना, 4 साल से 14 साल की उम्र में ही संस्कार देते देते उसके बाद उसमें उसी में पॉजिटिविटी फिर और बढ़ते बढ़ते, ताकि वो पॉजिटिव किताब पढ़ने का उसका अभ्यास बने, पॉजिटिव बातें सुनने की उसकी सोच, कुछ धर्म का पार्ट है, कुछ क्या कहते हैं आपने पॉजिटिव बातें हैं, कुछ आपकी तरफ से बातें, मतलब उसको बार बार एक ही चीज़ दर्शानी, बेटा जिस तरह से पैसा जरूरी है लेकिन बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, उसी प्रकार से पढ़ाई जरूरी लेकिन सब कुछ नहीं है, सब कुछ तो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा स्वास्थ्य है, तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारा स्वभाव है, बस ये जब तक आप उसको विश्वास नहीं दिलाएंगे नहीं पार पड़ेगी। आपको उनके बच्चों के अच्छे दोस्त बनना चाहिए, जो क्या बन नहीं पाते, खाली कहते कहते हैं, फिर भी बीच में घुमा फिरा कहने की टोका टाकी कर देंगे, फिर भी किंतु परंतु कर देंगे, मैं माता पिता उसे कह रहा हूँ फिर भी कुछ ना कुछ कहते हैं, पूछ लेंगे, बच्चा और तनाव में आता है, अब मम्मी को क्या जवाब दूंगा, पापा क्या दूंगा, उनको क्या दूंगा, भैया क्या, मतलब उसी तनाव तनाव में कई बार तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतना पैसा लग रहा है, इतना सब कुछ है, मेरा इतना समय चला गया, नहीं अच्छे ग्रेडेशन आ रहा है, नहीं नंबर आ रहा है, जी चूल्हे में क्या जी नंबर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसको कहो बेटा तू आखिर में पूरा पूरा इंजीनियरिंग करके निकलेगा, डॉक्टर करके निकलेगा, जो भी तुमने प्रोफेशनल कोर्स में लिया, बस एंड कोई ऐसा काम ना करे तो अपना बस पढ़ रियाती आने दे, भारत आजाद भारत के अंदर अपवाद स्वरूप कुछ मुट्ठी पर लोगों को छोड़ के बाकी कोई भी व्यक्ति ने फर्स्ट अटैम्प में बिना रियाय कहते CA नहीं करी, ठीक है ना, आप इसको ऐसे ले लीजिए MBBS नहीं करी, इंजीनियरिंग नहीं करी, अरे थोड़ा बहुत तो री आई जाती है, ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं होती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हर सब्जेक्ट में तो भी क्या दिक्कत है, आप आखिर तक पढ़ो ना, मत तनाव लो जीवन के अंदर, तो उनको मतलब ये माँ बाप करते हैं उनको विश्वास दिलाना, तब पार पड़ेगी, नहीं तो फिर आप लोग भी सेंसिटिव, मैंने देखा माँ बाप भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो भी सोच में पड़ जाते हैं इसका फ्यूचर क्या होगा, अजी पहले हेल्थ अगर चलेगी तो डिप्रेशन में रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा, बताओ आप थोड़ा विचारिए आप इस बात को, इसलिए मैनेज करिए ना कि उस पर दबाव बनाइए। मैंने देखा कई बच्चे अपनी अवस्था से बाहर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी हो जाते हैं, थोड़ा ठीक भी होने लगते हैं, फिर माँ जो माँ है वो घुमा फिरा के, या पिता है जो बोलता कभी कभी लेकिन टोका टाकी करता रहेगा,
ऐसे कोई पार पड़ती है क्या? थोड़ा सोचो आप इस चीज को लेकर। मंगल कामना, नमस्कार।